हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास टेंथ मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज मैं क्वेश्चन 9 के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन गिवन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 200, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो एन वन हमारा 7 और एन टू हमारा है 17। एस वन हमारा होता है, एस सेवन की वैल्यू हमारी है 49 सेवन टर्म का, और एस 17 टर्म की वैल्यू है 280। तो अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो फॉर एन अपॉन टू हम देखते हैं, फॉर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो एन कितना था, 7 था, एन वन यहाँ 7 है, तो 7 अपॉन टू और टू ए, ए की वैल्यू कितनी थी आप यहां देख रहे हैं, इसमें ए की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो 2a प्लस 7 माइनस, क्योंकि n की वैल्यू 7, तो 7 माइनस 1 और d इक्वल टू 49। तो d कितना मिला था अभी हमें देखना पड़ेगा। तो इसलिए अब हमने जब देख आगे हम चलते हैं तो देखते हैं 7 बाई 2, और यहां हमें मिला 2a प्लस 6d, क्योंकि 7 माइनस 1 तो 6 बचा, 6 इंटू d तो 6d इक्वल टू 49। तो देन a प्लस 3d इक्वल 7, हम ये कह सकते हैं कि a प्लस 3d होता है 7। क्यों 3d? क्योंकि जब 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो बचा क्या, क्या 3 बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस 3d इक्वल टू 7। और तो a प्लस 3d इक्वल अगर 7, ये हमारा इक्वेशन 1 फॉर्म किया। अब हम इक्वेशन देखते हैं सेकंड, जो कि n 17 के लिए था। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला फिर अप्लाई होता है, यानी n अपॉन टू, तो 17 अपॉन टू और 2a प्लस 17 माइनस 1d इक्वल टू होता है हमारा 289। तो 17 अपॉन टू, टू ए प्लस 16d इक्वल टू 289। तो a प्लस 8d इक्वल टू कितना होगा, a प्लस 8d, 2 से मैंने इसको काटा और 2 से a को काटा, तो यहाँ 2a को काटा तो a बचा, और 2 से 16d को काटा तो 8d बचा इक्वल टू 17। क्योंकि जब हम 17 से 289 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 17 मिलेगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि a प्लस 8d इक्वल टू 17। और अब हम जब सबट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम 2, यानी इक्वेशन 1 को हम 2 से जब सबट्रैक्ट करते हैं, तो पहला इक्वेशन है, इक्वेशन 2 हमारा है a प्लस 8d इक्वल टू 17, और इक्वेशन 1 है हमारा a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो सबटेक करने के बाद हमें क्या मिलता है, ए से ए सबटेक हो गया, ए डी से थ्री डी माइनस हुआ तो बचा 5, और 17 से 7 डिवाइड सबटेक हुआ तो बचा 10, यानी 5 डी इक्वल टू 10। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और ए की वैल्यू अब कितनी होगी, अब ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। तो अब हम फॉर एन टर्म लेते हैं। तो जब हम एन टर्म की बात करते हैं तो हमें मिलता है एन अपॉन टू, टू ए प्लस 1 माइनस, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फार्मूला हमारा है। तो एन अपॉन टू, टू ए यानी ए की वैल्यू 1 अभी हमने फाइंड आउट किया, तो 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि डी की वैल्यू 2 फाइंड आउट हुई थी। तो एन अपॉन टू और ये हो गया 2 प्लस 2 एन माइनस 2, तो एन अपॉन टू इंटू कितना है 2n। तो जब हम 2 से 2 को काट देते हैं तो बचा क्या, एन इंटू एन यानी एन का स्क्वायर, ये हमारा आंसर होता है। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्वेश्चन 10 कहा गया है सो दैट ए ए टू सो ऑन एन और फिर एन फॉर्म एन ए पी वेयर एन इज डिफाइंड एज बिलो। तो अब इसको जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन क्या है, ए एन इक्वल टू 3 प्लस 4 एन, और करना क्या है हमें, और सेकंड इसका पार्ट है ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5 एन इसमें, और आगे करना क्या है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, की हर केस का हमें 15th टर्म निकालना है। तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट ए एन इक्वल टू 3 प्लस 4 एन। अब हम जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम देखते हैं एन की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 एन सो ऑन होती, यानी एन आ गया, एन तक हम पहुँचते। तो हियर 4 एन इक्वल टू 4, तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 4 का हो गया कॉमन डिफरेंस। देन ए पी इज इक्वल 7,
11, 15 और 19, तो अब जब 4 का डिफरेंस है तो हम लेते क्या हैं 7, 11, 15, 19, ऐसे हम एक सीक्वेंस में AP को फॉर्म करते हैं और फाइनली हमारा जो होगा वो होगा 3 + 4n अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें A की वैल्यू कितनी मिली, 7 मिल गई क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है। D की वैल्यू कितनी मिली, 4 मिली क्योंकि A2 - A1 करने पर, 11 - 7 करने पर 4 आता है। और n की वैल्यू हमें कितनी मिली, 15 मिल गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा गया कि 15th टर्म निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला अब हम देखते हैं Sn इक्वल टू n अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 और 2 इंटू ए की वैल्यू 7, तो 2 इंटू 7 प्लस n की वैल्यू 15, तो 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4, तो इंटू 4। ये हमारा यहाँ इक्वेशन फार्मूला। तो अब आगे जब हम देखते हैं तो हमें मिला क्या, 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में 14, 7 टू या 14 प्लस 14 क्योंकि 15 माइनस 1 किया था 14 आया था, इंटू डी की वैल्यू 4 थी। तो आगे हम देखते हैं 15 अपॉन 2 और यहाँ क्या हुआ, 14 4 या 56, तो 14 प्लस 56 यानी 15 अपॉन 2 इंटू 70 अब हमें मिला। तो जब 2 से हमने 70 को डिवाइड किया तो कितना हुआ, 35 हुआ। तो अब क्या बचा मेरे पास, 15 इंटू 35। तो जब हम 15 इंटू 35 करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 525। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 15 टर्म यानी सम ऑफ 15th टर्म इस क्वेश्चन का 525 होता है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट गिवन था ए एन इक्वल 9 माइनस 5n। तो जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो वह ए एन इक्वल 9 माइनस 5n। अब हम यहाँ भी सब्सिट्यूट करते हैं तो 1, 2, 3, 4 के सिक्वेंस में अब हम लेते हैं इसे। तो हियर आप ये कह सकते हैं 5n इक्वल टू माइनस 5 क्योंकि कॉमन डिफरेंस हुआ, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, माइनस 5 का हो गया। और अब हम जब माइनस 5 के सिक्वेंस में इसे ए पी निक करते हैं तो हमें मिलता क्या है, 4 - 1 - 6 - 11 एंड सो ऑन, और फाइनली होता है 9 - 5। तो ए की वैल्यू 4 हमें मिल चुकी है फर्स्ट टर्म से, डी की वैल्यू माइनस 5 हमें मिल चुकी है यहाँ से, और एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी क्योंकि 15 टर्म की वैल्यू पूछी गई है। तो हमारा फार्मूला अप्लाई होता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 और 2 इंटू 4 क्योंकि ए की वैल्यू 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 15 टर्म, तो 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू माइनस 5। तो हमें क्या मिला, अब जब हम 2 इंटू 4 करते हैं तो हमें मिलता है 8, 15 में से 1 को माइनस किया तो बचा 14 और माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस 5। तो 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में हमें मिलता है 8 प्लस 14 इंटू माइनस 5। तो फाइनली हमें क्या मिला, अब हमें मिलता है 15 अपॉन 2 इंटू 62। क्यों, क्योंकि 8 माइनस 72 किया तो आया कितना, माइनस 62। अब 2 को से जब मैंने माइनस 62 को डिवाइड किया तो क्या बचा, माइनस 31। तो अब क्या फाइनली वैल्यू हमें मिला, 15 इंटू माइनस 31। तो जब हम माइनस 31 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर होता है माइनस 465। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ 15 टर्म इज माइनस 465 होता है। क्वेश्चन नंबर 10th का सेकेंड पार्ट यहाँ ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।